हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्लाइट टिकट कैसे बुक करना है इजी माई ट्रिप ऐप्स में, वो भी मोबाइल से। फ्लाइट टिकट बुक करने के टाइम जो आपको कूपन कोड मिलता है, जो कम दाम में आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं सिर्फ प्राइस में, वो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हैदराबाद टू गुवाहाटी फ्लाइट का टिकट, अगर आप चाहते हैं कि फ्लाइट टिकट कैसे चेकिंग करता है, फ्लाइट टिकट का प्राइस कितना है, फ्लाइट टिकट डायरेक्ट टिकट मिलता है ना, मिडिल में स्टॉपेज मिलता है, वो एक वीडियो में बना के रखा फुल ट्यूटोरियल के साथ। वो आपको ये वीडियो का स्क्रीन लास्ट स्क्रीन में मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दिखाने वाला हूँ फ्लाइट टिकट कैसे सिलेक्ट करता है, फ्लाइट सिलेक्ट करके कैसे आपको पेमेंट प्रोसेस करके टिकट को आप रिसीव कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, इजी माई टिप्स जो ऐप्स है ये प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये फुल सिक्योर ऐप्स है, इसमें आपको फ्लाइट टिकट एंड होटल बस काफ़ी सारा ऑप्शन है, लेकिन मैं आज फ्लाइट टिकट के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये इजी माई डॉट टिप ये ऐप्स को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको इसमें फ्लाइट में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फॉर्म और टू फिलअप करना है। फॉर्म जो एयरपोर्ट से आप जाना चाहते हैं उसको डाल दीजिए, जैसे मैं हैदराबाद डाल दिया। उसके बाद ट्रू में क्लिक करके गुवाहाटी डाल दिया मैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें डेट, जो डेट को ड्यूरेशन डेट को सिलेक्ट करके आपको इसमें मैं डाल दिया 31 डेट, जो 5000 दिखा रहा है इसमें, 5045 रुपीज़ इसमें क्लिक किया। डेट में क्लिक करने के बाद आपको इसमें नीचे सार्स फ्लाइट का एक ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक कीजिए। सार्स फ्लाइट में क्लिक करने के बाद इसमें आपको फ्लाइट देखने के लिए मिलता है, इसमें सिपियर फ्लाइट सबसे पहले निकल के आता है। इसमें देखिए इंडिगो है, स्पाइसजेट है, ये कम दाम में आप बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें इंडिगो सिलेक्ट किया, इंडिगो नॉन स्टॉप फ्लाइट है, ये कहीं भी रुकने वाला नहीं है, हैदराबाद से गुवाहाटी डायरेक्ट जाने का है ये। और इसमें आप देख सकते हैं सेवर, सेंस वेवर, फ्लेक्सिबल प्लस, इजी रिफंड ऐसे ऑप्शन है, इसमें आपको सेवर में क्लिक करके बुक कर सकते हैं कम प्राइस में। तो अभी देखिए ये टिकट हैदराबाद टू गुवाहाटी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। नीचे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा ट्रेवल इंश्योरेंस, इसमें ट्रेवल इंश्योरेंस आप सिक्योर करेगा तो ये इसमें क्लिक करना है। इसमें 199 चार्ज लेता है, इसमें देखिए 5718 रुपीज़ हो गया। तो अभी नीचे देखिए इसमें तीन ऑप्शन है कूपन कोड का, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कूपन कोड। पहला है जीरो कन्वर्सन फीस का, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में है अगर आपके पास साइलेंट सुपर कार्ड है तो 600 आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको 662 रुपीस डिस्काउंट मिलेगा। अभी ये देखिए प्राइस कम हो गया, 5056 रुपीस हो गया। तो उसके बाद अभी आपको एडल्ट में आपका नाम डालना है, जो फ्लाइट में सफ़र करेंगे उसका नाम डाल दीजिए एडल्ट में क्लिक करके। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल के आपको सेफ ट्रेवलर में क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के आई एक्सेप्ट में क्लिक करके कंटिन्यू टू पेमेंट में क्लिक करना है। सो अभी आप देख सकते हैं फ्लाइट रिव्यू एंड ट्रेवल डिटेल्स का काम हो गया, अभी पेमेंट सेक्शन का काम है। अभी इसमें देखिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, और नीचे स्क्रॉल कीजिए, इसमें आपको मिल जाएंगे नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई आईडी, काफ़ी सारा पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है। अभी फ़िलहाल कूपन कोड का ऑफर मिलने के लिए मैं इसमें डेबिट कार्ड का डिटेल्स डाल देता हूँ एड कार्ड में क्लिक करके, उसके बाद मेक पेमेंट में क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, इसमें मेरे को देखने के लिए मिला कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा जो डेबिट कार्ड है स्टैंडर्ड चार्टेड कार्ड नहीं है, इसलिए मेरा पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर आपका ये जो स्टैंडर्ड चार्टेड डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो आपको बिल्कुल ये ऑफर मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं नीचे ऑप्शन में क्लिक करके यूपीआई आईडी से पेमेंट कर देता हूँ। सो यूपीआई आईडी से पेमेंट करने के लिए यूपीआई आईडी डाल के आपको वेरीफाई एंड पे में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका रीडायरेक्ट करके आपका यूपीआई आईडी पेमेंट ऑप्शन में लेके आता है। उसके बाद पे में क्लिक करके आपका जो पेमेंट है कंप्लीट कर दीजिए। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा बुकिंग स्टेटस प्रोसेसिंग, इसमें बुकिंग स्टेटस प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपको टिकट मिल जाएंगे, आपको ईमेल आईडी में भी टिकट मिल जाएंगी और मोबाइल नंबर में एसएमएस आ जाता है। उसके बाद भी इसमें देखने के लिए आपको मिलता है व्यू टिकट एंड डाउनलोड टिकट, व्यू टिकट में क्लिक करके आप टिकट को व्यू कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डाउनलोड टिकट का ऑप्शन है, इसमें टिकट डाउनलोड कर सकते हैं आपका जो फ्लाइट का
टिकट है, ये डाउनलोड टिकट में क्लिक करके आप टिकट को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको टिकट बुकिंग करने के टाइम कोई भी मुश्किल या प्रॉब्लम आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।